Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to your next class of EBS. So students, we are doing the chapter 19, Things India is Known By. And we have already seen about our national flag, Tiranga. We have seen about the national emblem, okay, Rashtriya Chinh. Today we are going to see a new topic which is known as the national anthem, the national song, national bird, national animal and the national flower. Now, we all sing the song Janagana Mana and Vande Mataram. ये दोनों तो हम लोग हमेशा कोई भी राष्ट्र पर्व हुआ, स्कूल में कुछ फंक्शन हुआ, Janagana Mana, Vande Mataram गाते हैं. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? Janagana Mana is our national anthem and Vande Mataram is our national song. Now what is the difference between national anthem and national song? Let us see. National anthem means Rashtriya Geet. National anthem tells something about that country. Janagana Mana में क्या है? आपको अपने भारतवर्ष के बारे में पता चलता है. Janagana Mana अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध है ना, गाते हो ना, तो उसमें नदियों के बारे में, पहाड़ के बारे में, आपके देश के बारे में आपको जानकारी मिल रहा है. सो नेशनल सॉन्ग इज द सॉरी नेशनल एंथम is the song which is written in praise of something. किसी country, किसी देश के बारे में आपको जानकारी मिलता है. That is the national anthem. And national song, Vande Mataram, ये आपके अंदर patriotism, देशभक्ति की भावना जगाता है. Okay, in Vande Mataram, what happened? This song was written when India was under the British rule. Vande Mataram कब लिखा गया था? जब भारत अंग्रेजों के अधीन था. तो लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए ये गाना लिखा गया था. ओके, सो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग. नेशनल एंथम इट प्रेजेस अबाउट द कंट्री, टेल्स समथिंग अबाउट द कंट्री. एंड नेशनल सॉन्ग इट डेवलप्स द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म. ओके, ये आपके अंदर एक राष्ट्रीय भावना का भाव जगाता है. So, and national anthem, our Janagana Mana, it was written by Rabindranath Tagore. Yes, we all know he was a great poet, writer, and he also won the Nobel Prize. Okay, so here the picture of Rabindranath Tagore is given, and popularly he was known as Gurudev also. Now, national song, it was written by Bankim Chandra Chatterjee. And As I said, that this song was written when India was ruled by British. जब ये वंदे मातरम गाना कब लिखा गया था? जब हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था. And at that time, what happens? Many writers and poets wrote patriotic songs and poems. उस समय जब भारत को आज़ादी चाहिए था, तो लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक ने ऐसे ऐसे कविताएँ लिखी, कहानियाँ लिखी, जिससे देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर जाग उठे. सो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स एंड पोएम्स वर रिटन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेट्रियाटिक? पेट्रियाटिक मीन्स डिवोटेड टू वंस कंट्री. अपने देश के प्रति प्यार का भावना को पेट्रियाटिज्म बोलते हैं, ठीक है, देशभक्ति. दीज पोएम्स एंड सॉन्ग्स मेड द पीपल फील प्राउड ऑफ बींग इंडियन. दे हेल्प्ड इन देयर स्ट्रगल टू विन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश. एंड दिस नेशनल सॉन्ग इट हेल्प द पीपल टू डेवलप अ फीलिंग of love for the country, and thus India got freedom by developing the feeling of patriotism. Even now we sing this national song and national anthem when on national 15th August, 26th January. Yes, on any national festival, national days, these songs are being sung. They make us forget our differences and bring us closer. So जब हम लोग ये गाना गाते हैं, तो हमें एकता का फीलिंग आता है कि हम लोग एक देश को बिलोंग करते हैं. दे मेक अस फील यूनाइटेड एंड प्राउड ऑफ आवर कंट्री. दे मेक अस रिमेंबर ऑल दोज हु फॉट टू गिव आवर इंडिपेंडेंस एंड ऑल दोज हु हैव डिफेंडेड आवर कंट्री सिंस देन. सो ये दिस नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम, दे आर अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस बिकॉज दे मेक द पीपल यूनाइटेड. ये सारे देश के लोगों को एकजुट करता है, उनमें एकता की भावना को जगाता है. ये हमें उन लोगों के बारे में भी याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जीवन की कुर्बानी देश के लिए दे दी. ओके, सो नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम आर ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर एनी कंट्री. नाउ एवरी कंट्री इज हैविंग नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर एज अ सिंबल. फॉर इंडिया, यू नो द नेशनल
animal is the tiger, the national bird is the peacock, and the national flower is the lotus. So, and this chapter is complete. So what we have seen in this chapter, that every country they are having national symbols, कुछ चिन्ह हैं जो उस कंट्री का अपना चिन्ह होता है एंड वो दूसरे कंट्री से अपने आप को अलग दिखाता है. सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.